जिन्होंने तकरीबन 19 अरब डॉलर की ग्वादर में जो है वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात की थी, रिफाइनरीज और कुछ और कारखाने में, इनमें पेट्रोकेमिकल और इस तरह की चीजें। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया का जो इकोसिस्टम है वो किस तरह का है कि वहां पे 100th जो है वो यूनिकॉर्न जो है वो आया है। अब ये चीज देखें, यहाँ पे इस चीज को समझना है कि ये अब ये प्रॉपर एक इकोसिस्टम होता है, जैसे आप कहते हैं ना कि इंडिया जो है दैट इज नोन एज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग, विच हैज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम फॉर द स्टार्टअप। सो 100th यूनिकॉर्न जो है वो आया है, और उसके ऊपर ये बात हो रही है कि भाई किस तरह इंडिया इस तरह, और नॉर्मली एक यूनिकॉर्न जो होता है वो दैट इज 1 बिलियन डॉलर की ऑलमोस्ट एक इन्वेस्टमेंट होती है। अब आप ये इमेजिन कर लें कि इस यूनिकॉर्न को कहा जाता है कि एक यूनिकॉर्न होता है, एक स्टार्टअप होता है। आप देखें कि अगर ये 100th यूनिकॉर्न है, यानी कि 100th 1 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, और अमूमन ये 1 बिलियन डॉलर की होती है, लेकिन इससे ज्यादा की भी ये समझी जा सकती है। अब अगर आप इमेजिन कर लें कि ये 1 बिलियन डॉलर के एक जो है वो इन्वेस्टमेंट 100वीं इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, तो बाकी इससे छोटी भी तो इन्वेस्टमेंट्स होंगी। और इंडिया को कहा जा रहा है कि इस वक्त डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो टॉप 3rd कंट्री है जो कि यूनिकॉर्न को कंपनीज को होस्ट कर रहा है, खास करके 2021 में। तो आप इमेजिन करें कि जिसमें तकरीबन जो है वो 33 इंडियन स्टार्टअप्स भी हैं अदर देन जो बाहर से आ रहे हैं। सो अब आप इमेजिन कर लें कि जो जो चाइनीज हैं उन्होंने 2021 में सुनने में आया कि वहां पे 74 यूनिकॉर्न्स आए। सो यूएसए में तकरीबन 254 यूनिकॉर्न्स जो है वो आए हैं। तो अब इमेजिन कर लें कि इंडिया जो है वो अगर 100 ले रहा है, जो है वो चाइनीज जो है वो 74 ले रहे हैं, अमेरिकन 54 ले रहे हैं, तो कितने बड़े पैमाने पे जो है वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। और पाकिस्तान में आप देखिए कि सीपैक जैसे जो मंसूबे थे उसमें सारी वो हमने उसके ऊपर वो तबाही कर दी है, क्योंकि उसके बावजूद कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट कर रहे थे लेकिन हम उनको विन ओवर नहीं कर सके, इकोसिस्टम नहीं है। देखिए एक होता है, मैं बहुत सारे लोगों को मिलता था बिजनेस कम्युनिटी को जो कि पाकिस्तानी भी होते थे और बाहर के लोग भी जो फॉरनर्स पाकिस्तान आते थे, या कभी डिफरेंट डिप्लोमेटिक मिशंस में मुलाकातें होती थी या कॉन्फ्रेंसेस में जो है वो मुलाकातें होती थी, तो वहां पे ये बात होती थी कि पाकिस्तान जो है जो चाइनीज को एक इन्वायरमेंट दे रहा है, फेवरेबल इन्वायरमेंट दे रहा है, वो हमें क्यों नहीं देते। अच्छा मजे की बात है, चाइनीज का फेवरेबल एनवायरनमेंट की हालत ये है कि आप जो है वो सारे जो चाइनीज प्रोजेक्ट्स वो बंद पड़े हुए हैं, और सीपैक के रिलेटेड जितने भी कारोबार थे, जो मंसूबे थे, वो भी मुअत्तल हो गए थे। और जिसे आप कह लें कि इमरान खान साहब ने जो है वो इतने वो आके सारे सीपैक को रिव्यू करना शुरू कर दिया, और खुद माने कि सारे सीपैक के प्रोजेक्ट्स जो है वो जो है अब इंडिया में कुछ सीपैक तो नहीं है, इंडिया में कुछ चाइनीज इन्वेस्टमेंट तो नहीं है इस वक्त, अदर देन दैट के यानी आई मीन टू से दैट सीपैक लाइक चाइनीज इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। अगर वो शाओमी जैसी कंपनीज आ रही हैं और वो काम कर रही हैं, जिनका देखे ना वो इंडिया की आप जरूरत देखें उस मुल्क की, के जरूरत ही होती है एक सेटअप की, कि उन्होंने कहा यार सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है अगर ये रॉयल्टी पेमेंट्स कर रहे हैं बायर और हमें बता नहीं रहे, और तो इन्होंने जो है वो रॉयल्टी पेमेंट्स किसी और चीज की हैं लेकिन हमें जो है वो हमारे सामने झूठ बोल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इंडिया ने पकड़ के चाइनीज को मुश्किल में डाल दिया, और वो चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो बाकी पड़ी हुई थी उनको भी, और जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही थी उनको भी डाल दिया, मुश्किल में डाल दिया कि भाई आप इस तरह के काम नहीं कर सकते। और इधर पाकिस्तान है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और हम उनको एक एनवायरमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहे, तो फॉरगेट अमेरिका से या इंग्लैंड से या यूरोप से या बाकी ममालिक से लोग कैसे आएंगे यहाँ पे। मुझे इमरान खान साहब की बातें याद हैं, वो कहा करते थे मुसलमानों को देखें आप ना पाकिस्तान आके टूरिज्म करें, यहाँ पे इस्लामोफोबिया जैसे आपको मसले नहीं होंगे। मतलब कितनी थकी हुई बातें, लोग जो है वो जहां पे जाते हैं कारोबार करने या टूरिज्म करने वो इसलिए नहीं जाते कि आप वो मजहब की बेस पे, लोग जाते हैं जनाब वहां पे कि वहां पे इन्वायरमेंट कैसा है, उनको माहौल कैसा पसंद है, आबो हवा कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है, जो जिसे हम एक एक एक, एक टर्म होती है उसको बोलते हैं फेवरेबल बिजनेस एनवायरमेंट, फेवरेबल बिजनेस एनवायरमेंट किस तरह का है, और हमने क्या फेवरेबल एनवायरमेंट दिया है कि जो चाइनीज हमारे यहाँ इन्वेस्ट करना चाह रहे थे वो बच गए। सो वो सारे के सारे जा रहा है। G7 जो पहले G8 होता था, अब यूरोपियन कंट्रीज उसको G7 कह रहे हैं, और उन्होंने कहा कि प्रैक्टिकली हम रशिया को उसमें से निकाल रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे कि सब्स्टिट्यूट भारत से कर रहे हैं, भारत अपनी जगह खुद बना रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो भारत की G7 में शमूलियत है,
ये भी क्या वर्ल्ड स्टेज में जो भारत का बड़ा स्टेक है उसकी रिकग्निशन है? देखिए सर, G7 ठीक है, प्राइमरली उसमें यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये बात सच है। बट G7 में सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अमेरिका इज ऑल्सो देयर, एंड अमेरिका इज नॉट अ यूरोपियन कंट्री। उसमें कनाडा भी हिस्सा है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन सर। जी बिल्कुल है, जी, कनाडा इज ऑल्सो नॉट अ यूरोपियन कंट्री। सो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उसमें राइट शामिल, रशिया, फिर रशिया को निकाल दें। देखिए सर, ऐसा है कि देयर कैन बी नो G7 विदाउट इंडिया। इंडिया इज द वर्ल्ड्स फिफ्थ और सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, एंड इंडिया विल बी इन द फ्यूचर कोर्स द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, जो IMF का और वर्ल्ड बैंक के प्रेडिक्शंस है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ओनली बिहाइंड US एंड चाइना। तो किसी का भी ये कहना सर कि G7 या फिर UN सिक्योरिटी काउंसिल, ये सब चीजें बन सकती हैं या चल सकती हैं भारत के बिना उनकी क्रेडिबिलिटी, दैट्स नॉट ट्रू सर, दैट्स नॉट ट्रू। यू नो, 130, 35, 40 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं भारत में, 3 ट्रिलियन प्लस की इकोनॉमी है भारत की, गोइंग ऑन 5 ट्रिलियन, जो भारत की डिप्लोमेसी है, जो वर्ल्ड स्टेज में भारत का प्रेजेंस है। और यहां पे मुझे अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सर, डॉक्टर जयशंकर ने कमाल का काम करा है सर, कमाल। आई हैव यू नो, मुझे लग रहा था एक जमाने में, जब जब सुषमा जी हमारे बीच में नहीं रही, इस दुनिया को छोड़ के चली गई, तो मैं बहुत पर्सनली बड़ा गमगीन था, बिकॉज शी वॉज अ वेरी कैरिज्मेटिक लेडी, शी वॉज अ वेरी कैरिज्मेटिक लेडी। वो कमरे में आती थी ना, जब रूम में, हॉल में आती थी किसी में, जहां पर, तो इट वुड लाइट अप, यू नो, समबडी विद दैट प्रेजेंस, एंड शी रेंडर्ड ग्रेट सर्विस टू मदर इंडिया सर। उन्होंने मदर इंडिया की बहुत, माँ भारती की बहुत सेवा करी है सुषमा जी ने, और यह हमें मानना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कौन है जो, यू नो, हु कैन फिल अप, सुषमा स्वराज के शूज को कौन फिल अप कर सकता है? ऐसा कौन सा 30 मार खान है जो इंडिया ने पैदा कर दिया भाई, जो, यू नो, हु कैन डू दैट लेवल ऑफ वर्क। एंड टुडे आई एम हैप्पी टू टेल यू दैट व्हाट डॉक्टर जयशंकर इज डूइंग, ठीक है सर, फॉरेन पॉलिसी में हमें कहीं भी, एंड आई एम एस आई रन चाणक्य फोरम सर, वी डील विद फॉरेन पॉलिसी, वी डील विद जियो पॉलिटिक्स एंड नेशनल सिक्योरिटी, और मैं कहीं गलती नहीं निकाल पा रहा सर। मैं चाह के भी डॉक्टर जयशंकर का, और बड़े बड़े लोगों से मैं बात करता हूं, जो मैं तो कुछ भी नहीं हूं सर, बड़े विद्वान लोग हैं, पंडित लोग हैं अपनी चीजों में, जो इस पर नजर 30 30 40 साल, हम तो बच्चे हैं उनके सामने, वो लोग भी यही बात कहते हैं सर अबाउट डॉक्टर जयशंकर, कि इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी इन फॉरेन पॉलिसी यू कांट फाइंड फॉल्ट विद द मैन, ही इज, जिसको कहते हैं ना, सचिन तेंदुलकर वाला मामला है उनका, चुपचाप, ही इज जस्ट हिटिंग इट आउट ऑफ द पार्क एवरी टाइम। जो उन्होंने शटअप कॉल दिया यूरोपियन यूनियन को, और दैट इज द स्टफ ऑफ लेजेंड सर, जब उन्होंने बोला था ना कि व्हाट इंडिया बाइज, ऑयल के बारे में बात करी थी, व्हाट इंडिया बाइज इन अ मंथ यू प्रोबब्ली बाय इन एन आफ्टरनून, पूरी जो ऑयल की डिप्लोमेसी थी एक सेंटेंस में करके उन्होंने खत्म करके उनकी जेब में डाल दी, बोला बेटा जाओ। सो मोदी जी ने